नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ है सौरभ और हम दोनों आपके लिए लेकर आ गए हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर आज सुबह की मॉर्निंग अपडेट्स। और मॉर्निंग अपडेट्स में सौरभ, सबसे बड़ी जो खबर है वो भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जो मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, पांचवा पटौती सीरीज का, उसमें अब भारतीय टीम कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। क्योंकि जिस तरह से जॉनी बेस्टो और जो रूट के बीच में यहाँ पर साझेदारी की गई है, उसने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया है। पहले माना जा रहा था कि जो लीड भारतीय टीम की तरफ से दी गई थी, 378 रनों का जो टारगेट दिया गया था, वो पर्याप्त होने वाला है इंग्लैंड के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाई है यहाँ पर चौथी इनिंग में इंग्लैंड की टीम ने, खासकर जॉनी बेस्टो, रूट और उनके दोनों ओपनर ने, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया है। जी बिल्कुल, सब कुछ पलट कर रख दिया है। जहां पहले उम्मीद सभी को थी कि भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके का प्रदर्शन पहली पारी में किया था, इंग्लिश बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जो है बिखेर के रख दिया था, उसी तरीके की उम्मीद फैंस ने की थी, टीम मैनेजमेंट ने की थी भारतीय गेंदबाजों से। लेकिन यहाँ श्रेय, कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह टीम के कप्तान भी हैं, वो अकेले पड़ते नजर आए हैं दूसरी पारी में। देखे तो उन्हें दूसरे गेंदबाजों से, हालांकि शमी ने जो एक एक साइड से देखे तो रनों को जो है काफी रोक लगाई थी, लेकिन दूसरे छोर से कोई अन्य तेज गेंदबाज, हम बात कर ले मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, दोनों की ओर से ही जो है महंगे साबित होते रहे, लगातार जो है रन आते रहे। क्योंकि एक वक्त पे देखे तो 3 आउट हो गए थे इकट्ठे इंग्लैंड टीम के, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने, बेस्टो और रूट ने आके पारी को संभाला है, जहाँ एक टाइम पे सिचुएशन जो दबाव की सिचुएशन इंग्लिश टीम के लिए बन गई थी, वो अब भारतीय टीम के ऊपर आ चुकी है। क्योंकि गेंदबाजों में रविंद्र जडेजा को मौका मिला डालने का, उनको देखा तो वो लगातार राउंड द विकेट ही ओवर करते रहे। उन्होंने एक भी बार जो ओवर द विकेट आके अपनी गेंदबाजी नहीं की, जिसके चलते जो है खामियाजा पूरी भारतीय टीम को। बिल्कुल, कल जब मैं गेंदबाजी देख रहा था जडेजा की, तो मुझे लग रहा था कि इस पॉइंट को लेकर अगर भारतीय टीम के हाथ से यह मैच चला जाता है तो इस बात को लेकर जडेजा की आलोचना होने वाली है। क्योंकि अगर आप उस साइड से आते हैं विकेट के, तो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा जो ऑप्शन होता है बॉलर के पास विकेट पर हिट करने का, LBW का, आप अपने अपने ऑप्शंस जो होता है बल्लेबाज को आउट करने का, उसे कम कर लेते हो। और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जरूर होगी कि जडेजा से उस ओर से गेंदबाजी इतनी ज्यादा देर तक क्यों करवाई गई है। कहीं ना कहीं अगर आगे बढ़े, शार्दुल ठाकुर की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, तो उनकी गेंदें भी इधर उधर पड़ती रही हैं। अब एक लाइन पे जो बात हो रही थी कि गुड लेंथ के एरिया में डालना है, चौथे और पांचवें स्टंप की लाइन पर गेंदबाजी करनी है, उससे भटकते हुए नजर आए हैं ये दोनों गेंदबाज। बिल्कुल, दोनों ही गेंदबाज भटकते, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सारा जो जिम्मेदारी थी कप्तान जसप्रीत बुमराह पे ही गेंदबाजी में जो पूरी देखने को मिली। हालांकि शमी की ओर से कुछ हद तक जो है उनको साथ जरूर मिला, लेकिन एक गेंदबाज, एक पेसिंग अटैक जो गेंदबाज होता है, उसके लिए आराम भी बहुत जरूरी होता है मैदान पर। उस लिहाज से देखा जाए तो भारत 4 पेसरों के साथ इसी के चलते जो है मैदान पर उतरा, लेकिन 2 पेसरों की ओर से बिल्कुल भी उनको साथ नहीं मिल पाया। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, दोनों ने दूसरी पारी में जो है पूरी तरीके से जो है भारतीय टीम को जो है अपना साथ बिल्कुल भी देखने को, उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला। लेकिन अब फिलहाल आज का दिन जो है पांचवा दिन भारतीय गेंदबाज, भारतीय टीम के लिए सारी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों के ऊपर है कि किस तरीके से 119 रन जो भी मैच में बचे हैं, 259 पे 3 इंग्लैंड का स्कोर, पांचवे दिन जो शुरू होगा उसमें 119 रनों की अभी भी इंग्लैंड टीम को जो है जरूरत है। उम्मीद ये है कि भारतीय गेंदबाज अच्छी तरीके से कमबैक करें और आज आते आते पहले ही सेशन में, क्योंकि पहला ही सेशन जो है दिन का वही काफी इंपॉर्टेंट और मैच का रिजल्ट जो है श्रेय तय करने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर मैच का रिजल्ट तय करने वाला, और पहले सेशन में आते ही आपको रूट का विकेट चाहिए, जॉनी बेस्टो का विकेट चाहिए, और उसके साथ एक और, पहले सेशन में कम से कम 3 विकेट चाहिए और रनों पर रोक लगाना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं भारतीय टीम इस मैच में वापसी कर सकती है। नतीजा तो चाहे जो भी हो, लेकिन वापसी करने की अगर बात है यहाँ पर भारतीय टीम के लिए, तो ये काम तो करना ही होगा। शुरुआत में अटैक देने होंगे, यहाँ पर झटके देने होंगे इंग्लैंड की टीम को। बढ़ते अगली खबर की तरफ, तो यहाँ पर जो भारतीय महिला टीम है, वो भारतीय महिला टीम ने यहाँ पर आपको बता दें तो श्रीलंका को मात दे दी है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी जीत है सौरभ, 10 विकेट से भारतीय महिला टीम ने यहाँ पर मात दी है श्रीलंका को। आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो महज 173 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद जब भारतीय टीम के बल्लेबाजी आई तो दो बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना, इन्होंने ही मिलकर मैच को खत्म कर दिया और 10 विकेट से यहाँ पर श्रीलंका की महिला टीम को मात दी है। और ऐसा इस दौरे पे देखिए हम, पहला मौका नहीं है, हमने देखा था कि T20 सीरीज में भी भारतीय महिला टीम ने जो बाजी मारी थी, 2-1 से सीरीज जीती थी, और ODI सीरीज में 3 मैचों की ODI सीरीज है, उसमें 2-0 की बढ़त जो है भारतीय टीम ने हासिल कर ली। इस लिहाज से देखा जाए तो
काफी अच्छी जो लीड जो है भारतीय महिला टीम के पास हासिल हो चुकी है T20 सीरीज के बाद, अब ODI सीरीज में भी। और ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना की ओर से जो ओपनिंग जो शतकीय पारी देखने को मिली है, शतकीय साझेदारी जो दोनों के बीच हुई, उसी के चलते भारतीय टीम ने 10 विकेट से 174 रन जो बनाए हैं और दूसरे ODI मुकाबले में जो टारगेट चेस किया, काफी बड़ी जीत भारतीय महिला टीम के लिए। और साथ साथ जो कॉन्फिडेंस इस टीम का बढ़ने वाला है आने वाले मैचों में, क्योंकि हमने बीच में बात की थी कि मिताली राज के बाद जाने के बाद बिल्कुल किस तरीके से ये टीम जो है अपने जो ऊपर उठ पाती है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये टीम की जो है अपनी तैयारियां शुरू हो रही है मिताली राज के रिटायरमेंट लेने के बाद। और इसी तरीके से हम सब उम्मीद करते हैं कि भारतीय महिला टीम आगे जा करके अपनी कामयाबी हासिल करती रहे। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय महिला टीम यहाँ पर आगे जाकर कामयाबी हासिल करते रहे, क्योंकि देखें अगर यहाँ पर इस मैच को लेकर तो कहीं ना कहीं अगर कुछ रन और होते महज तो यहाँ पर 100 रन भी हो जाते स्मृति मंधाना के। खैर बढ़ते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ, और अगली खबर एक बार फिर से बुमराह से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बुमराह ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वसीम अकरम का सबसे कम उम्र में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज यहाँ पर वसीम अकरम का, जी हाँ भारतीय कप्तान बुमराह ने। जी बिल्कुल। और दर्शकों को यही बता दें कि ये सेना देशों के खिलाफ, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इन चारों देशों के खिलाफ किसी एशियाई गेंदबाज की ओर से इतनी बड़ी जो कामयाबी हासिल की गई है, उसमें जसप्रीत बुमराह ने वसीम अकरम पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज उनका जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने इससे पहले सबसे कम उम्र में जो है 28 वर्ष की और साथ साथ 230 दिनों में जो है ये 100 विकेट का कारनामा जो है हासिल किया था। तो भैया बुमराह ने जो है कल जो चौथा दिन मैच का खेला गया उसमें जैक क्रॉली जो दूसरी पारी में पहली विकेट जो हासिल हुई थी भारत, उस दौरान बुमराह ने जो है अपने 100 विकेट सेना देशों के खिलाफ जो है हासिल की है। और इसके चलते उन्होंने 28 वर्ष और साथ साथ 211 दिनों की उम्र में जो है ये जो उपलब्धि हासिल कर ली है, सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे कम उम्र में बन तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बार फिर से बुमराह से ही उम्मीद होगी कि जब भारतीय यहाँ पर गेंदबाजी दोबारा से शुरू हो मैच के आखिरी दिन, तो वहां पर जो विकेट चटकाए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बार फिर से अगर महिला टीम की तरफ वापसी करें, तो महिला टीम से लेकर एक खबर आ रही है कि हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर मेलबर्न की फ्रेंचाइजी ने बिग बैश के लिए साइन किया है, और बिग बैश के 8वें सीजन में यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी हमारी हरमनप्रीत कौर। जी बिल्कुल। और साथ साथ दर्शकों को ये भी बता दें कि वो इस सीजन में जो है इस टीम की कमान संभालती हुई नजर आने वाली है, इस टीम की कैप्टन होंगी हरमनप्रीत कौर। और साथ साथ इनका 7वां सीजन जिस तरीके से गुजरा था उसी के चलते जो है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हरमनप्रीत कौर को दी गई है, मेलबर्न फ्रेंचाइजी ने दी है, क्योंकि हमने 7वें सीजन में देखा था कि ये श्रेय ये हरमनप्रीत कौर जो है वो मेलबर्न की टीम के लिए टॉप स्कोरर भी रही थी, साथ साथ ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी साबित हुई थी। इसी के चलते कहीं ना कहीं जो है अब 8वें सीजन में फिर से हरमनप्रीत कौर को जो है साइन किया है मेलबर्न की फ्रेंचाइजी ने, और साथ साथ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कप्तान की। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो हरमनप्रीत कौर ने पिछले सीजन की अगर बात करें तो वहां पर 406 रन बनाए थे और सीजन में 18 छक्के लगाए थे, और हरमनप्रीत कौर इस तरह की बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं, ऑन डिमांड जैसा एक अटैकिंग बल्लेबाज है और सिचुएशन जैसी डिमांड करती है उस तरह से वो शॉट्स, लंबे शॉट्स खेल सकती हैं। तो देखना यही है कि जब अगले सीजन में एक बार फिर से वो उतरती हैं बिग बैश में मेलबर्न की फ्रेंचाइजी के लिए, तो किस तरह का खेल दिखाती हैं। फिलहाल के लिए इस आज के मॉर्निंग अपडेट्स में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और साथ ही साथ हमें हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें।